बीस बड़ी बाटली में बड़ी बड़ी मसाजिद है, किसी कहीं मौका नहीं मिला। एक एक छोटी मस्जिद जो देवबंदी बरेली मिक्स थे वहां पर, उन्होंने कहा हमारी जमातें जो है मस्जिदवार जमातें जो 8 घंटे 2.5 घंटे उनको जमा करो, कोई जमा नहीं हुआ। इनका काम तो है ही नहीं अमली काम शूरा वालों का, इनका काम या तो मोबाइल पर है या व्हाट्सएप पर है, कोई नहीं जमा हुआ। इन्होंने बड़े अहतमाम से यहां पर बर्मिंघम में जमा किया कि शूरा में मौलाना फहीम साहब बयान करेंगे मंगल के मशवरे में। अब उन्होंने बयान शुरू किया तो हमारे दोस्त हैं राशिदुल खैरी, पहले उनसी मुलाकात मौलाना जहादुर राशिद ने बहुत पहले 15-20 साल पहले कराई थी, उसके बाद बहुत अच्छे दोस्तों में हैं। इधर उधर की बातें करने लगे, ये मौलाना खड़े हो गए और मौलाना कहा कि भाई तुम यहां क्या गुमराही फैला रहे हो और उम्मत में तफरका डाल रहे हो, मकसद क्या तुम्हारा, काहे के लिए आए हो तुम? तो कहने लगे नहीं मैं तो उम्मत में जोड़ पैदा करने का चाहता हूं। तो मौलाना फरमाया कि पहला मरकज बरसा बरस से जो असल मरकज है बर्मिंघम का, वहां तो तुम गए नहीं, तुमने देहली की मस्जिद नया किबला काबा अभी बनाया गुज़श्ता साल, पूरे मुल्क का मजहब डीश भरी है, वहां तो तुमने गए ना, कैसे जोड़ पैदा करना चाहते हो तुम? फिर मौलाना फरमाया कि देखिए निजामुद्दीन जो है उन लोगों ने उम्र खपा दी जोड़ पैदा करने के लिए, उम्मत को जमा करने के लिए, अरब अजम मशरिक मगरिब यूरोप अमेरिका हनफी शाफी मालिकी हमली किसी सिलसिला तसव्वुफ से वाबस्ता, एक उम्र एक आदमी के नहीं चार चार नस्लों की, मौलाना इस्माइल से लेकर मौलाना इलियास मौलाना यूसुफ मौलाना हारून मौलाना साद। तुम रायवन में आजकल सिवाय तोड़ के क्या है तुम्हारे पास, तफरीका के सिवा क्या तुम कर रहे हो? तो फहीम साहब भाग गए फ्रांस, वहां फितना फैलाएंगे, माशूना के और भी लोग हिंदुस्तान से आ गए कुछ बनी अजहरियत के, सुना मौलाना लाड भी आ गए फलां भी आ गए। वहां के लोगों ने साफ कहा भाई तुम काहे के लिए आए हो, हम पूरे यूरोप के आलमी इज्तिमा की तैयारियां कर रहे हैं। अब एक चेक इन उसको पकड़ लिया उन्होंने, वो भोले भाले आदमी और मुरब्बत वाले हैं। गुज़श्ता महीने में हमारे मुफ्ती उमर साहब गए थे और एक और वहां से आए थे, जहाँ क्या नाम है वो मराकश से वो भी थे जिम्मेदार। तो जब वहां पर ये पहुंचे तो इनका बयान असर बाद भी बगरी बाद भी, शेख यूनुस बहुत दूर थे वो दौड़े भी आए और वहां पर देखा, शेख यूनुस ने कहा भाई क्या करें, सारे काबर आ गए थे रायमंड के और हम उनको ना नहीं कह सकते थे, और मुरावतन हमने कहा ठीक है लेकिन हम तो निजामुद्दीन की तरतीब पर ही चलेंगे। और जो मरकज में वहां काम करने वाले हर एक की जबान पर काला शेख साद काला शेख साद, मौलाना साहब ने ये फरमाया। अभी शेख विसाम ने ऐलान कर दिया शूरा वाले जो हैं वो सारे कि हम तो निजामुद्दीन के साथ हैं। इससे पहले इटली वालों ने ऐलान किया, इटली में थोड़ा उन्होंने कदम जमान कोशिश की शूरा वालों ने कि नहीं हम सब निजामुद्दीन के साथ हैं। 2 हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में इज्तिमा हुआ पुरानों का, सब निजामुद्दीन के साथ हैं। इनकी जमात वहां गई, नेपाल से फोन आया शूरा वालों की, उन्होंने उसी दिन वापस किया कि ये फितना फैलाने के लिए आए हो यहां पर। अंडमान निकोबार जमात गई तो जो अमीर थे उन्होंने कहा देखिए हजरत जी मौलाना साहब का हुक्म है हर मुसलमान के इकराम करना है, आप खाएं पिए रहें, आप हमारे मेहमान हैं, 2-3 दिन बाद मंगल का मशवरा होगा, 8 हल्के हैं हमारे, जो हल्का चाहे आपको ले जाए काम कर कीजिए। जब रखी गई बात मशवरे में, एक हल्का तैयार भाई इन फितना बाजों को इन बागी लोगों को ले जाने के लिए, हफ्ते बाद वापस आ गए। अल्लाह ने जमीन तंग कर दी इनके लिए, गुज़श्ता हफ्ते भी मैं तफसील से बयान कर चुका हूं कि फहीम को वहीं रहना चाहिए मौली फहीम को, और सही रास्ते पर आने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात और मैं कहूं, हमर शेख रहमतुल्लाह के आखिरी दिनों की बात है, कुछ चेम हो गई या हो रही थी तबलीग के बारे में और उनकी वफात, हजरत शेख की वफात, मेरे शेख थे 62 से 84 तक मैं उन्हीं से बैत रहा,
वफात तक। तो एक हमारे थे सूफी इकबाल होशियारपुरी, नदवा में पढ़े थे इसलिए कलम भी पकड़ में आ गया था। नदवा अदब और कलम, इसमें अकबर अलबादी ने जबान होशबंद कहा है नदवा को। तो उन्होंने लिखना शुरू किया, हजरत शेख मौलाना इनाम से और निजामुद्दीन से तबलीग से बड़े परेशान थे, नाला थे और नहज क्योंकि बदल रहा है और सही नहज से हट रहा है। इसलिए मैंने हजरत शेख के खलफा सारे हमारे दोस्त हैं, मैंने उनको जमा करके अर्ज किया कि मौलाना देखिए, हजरत शेख 1970 तक अहदीस पढ़ाते रहे, बुखारी पढ़ाते रहे, पूरी कुवत के साथ रहे और अपने बलबोते पर पुराइए। 71 तक की हजरत की हर बात हर तहरीर हमारे लिए हुज्जत है। उसके बाद अर्जल उम्र में पहुंच गए, तुम्हारे मोहताज बन गए, तो हर तरह से उन्हें घेर के क्या कहलवाया क्या लिखवाया हमें कुछ पता नहीं। तो ये बात मैं नायाबन वालों के लिए कहता हूं, जब तक हाजी अब्दुल वहाब साहब पूर्व कुवत के साथ थे और अपने बलबोते पर, जब वो माजूर हो गए, जब वो साहब फिराश हो गए, जब अर्ज उलमन हर चीज में इनके मोहताज हो गए, फिर लोग हाजी अब्दुल वहाब के नाम से जो बातें चल रही है एक बात भी हाजी साहब की नहीं आई। इन जिनको हमारे मौलवी से मुताला क्या क्या कहते हैं, गुंडे, सियासी गुंडे कहते हैं, ये इनकी बातें हैं, ये कभी हमारे लिए हुज्जत नहीं है। क्योंकि आज वो पेश 2015 के बाद ज्यादा ये होगी बातें और अभी और होती रहेगी। तो आज कर रहा था कि असल तो जो है हमें फर्क करना चाहिए असल में और नकल में, वफादार में और बागियों में। ये आमिर शेख वहां पर एक बैठा हुआ नालक, मुझे दर्जनों फोन हैदराबाद से आए कि आपने इसका फोन क्यों उठाया, इसकी तो आदत इस तरह की शरारत करने की है। इसके बाप गुलाम दस्तगीर को आंध्र प्रदेश का अमीर मौलाना ये प्रोफेसर नईमुल्ला खान ने निकाल दिया था मरकज से कि तू बगैर इजाज़त के निजामुद्दीन चला जाता है, तुझे अपने महल्ले का सिर्फ गश कर, शायद उसका बदला ले रहा है। और अभी तो अल्लाह की पकड़ आ गई उस पर। इन्होंने एक बड़ी बदमाशी ये की कि हजरत जी मौलाना साद रहमतुल्लाह पर बोहतान बांधा के फला लड़की से इनका ताल्लुक है। अब किसी ने FIR पुलिस में दर्ज करा दी, उसमें आमिर शेख का भी नाम है। तो अल्लाह की पकड़ आ गई है। जो असल मरकज से मरकज, जहर बात आज का मरकज कमजोरियां भी होंगी जरूर होंगी, लेकिन आज का मरकज दौर साहबा का मरकज नहीं है कि आप उस पैमाम पर नापने लगो उसे। तो मरकज के खिलाफ जो भी करेगा अल्लाह से निमटेगा और हम आंखों से देख रहे हैं। अभी ताल देर ताल में निमट गए सारे, ये हर जगह इनका ये हाल है। कोई पूछ जहां पर जाए, अब ले देखे उनके पास एक छोटा सा ब्लैकमन रहेगा और वहां भी ये हाल है कि अभी गुज़श्ता एक महीने पहले ओलमा इनके शूरा वाले के 4 ओलमा, एक हाफिज पटेल साहब का पोता अब्दुल्ला का बेटा, एक मौलाना बिस्मिल्लाह का बेटा, चारों आलिम, ये 4 महल्ले का आलिम निजामुद्दीन गए। तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारा मरकज चाहे वहां का हो नेहरौल का या दिल्ली का या बेंगलोर का, वहां तो खाली पड़ा हुआ है, कोई अमल ही नहीं है। तो जो असल असल है, नकल नकल है। जो बागी वक्ती तौर पर कामयाब हो सकता है, अल्लाह का निजाम के खिलाफ है, अल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है। अब इनका सारी हकीकत